दोस्तों, हम संसार को शरीर की दो आंखों से देख सकते हैं, किंतु ईश्वर को देखने के लिए मन की आंखों का होना जरूरी है। अब आप प्रश्न ये हुआ कि हम मन की आंखों को कैसे खोलें। मन की आंखें को खोलने के लिए आपको प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास कर निरंतर कर्म करने चाहिए, क्योंकि संसार को तो हम जैसे चाहते हैं जब आते हैं देख सकते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को भी हम जब चाहें तब देख सकें? इसके लिए आपको अपने मन की आंखों का खोलना होगा, यानी मन की आंखों का होना अति आवश्यक है। और जब आप अपने मन की आंखों को खोल लेंगे तब आपको ईश्वर दिखने लगेंगे। याद रखना दोस्तों, यह बात आपके लिए लाभदायक है। हमारे निर्णय से ही हमारी नियमितता तय होती है। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति में कमजोरी है। याद रखना दोस्तों, जब तक हमारी भक्ति में कमजोरी रहेगी हम ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे और ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करो। याद रखना, उम्मीद से बंधे एक जिंदा परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीद से है और जिंदा भी उम्मीद पर है। याद रखना दोस्तों, हमारी जिंदगी में उम्मीदों में हम बंध चुके हैं और हम घायल भी होते हैं, तो उम्मीद जब टूट जाती है तो हम घायल हो जाते हैं और फिर एक नई उम्मीद अपने मन में जागृत कर लेते हैं। इसलिए हम उम्मीद से बंधे एक परिंदा हैं, इंसान जो घायल भी उम्मीद से है और जिंदा भी उम्मीद पर है। याद रखना दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हर हर महादेव जरूर लिखना। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो तैयार किया जाए। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को ज़्यादा प्यार दो, आशीर्वाद दो।